हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे ये 10 रुपीज़ वाले केक से बहुत ही मज़ेदार सा रेसिपी। आप चाहे तो कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। मैं यहाँ सिंपल फ्रूट वाला फ्लेवर लिया है। तो बस इसमें चॉकलेट डाल के इसे अच्छे सा डो बना लेना है इस तरह से। आप चाहे तो यहाँ चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। बस इस तरह से सॉफ्ट सा इसे डो लगा लेना है। उसके बाद हम इसमें गोल गोल लड्डू जो है बना लेना है। तो मेरे यहाँ टोटल जो है 6 लड्डू बन के तैयार हो गए थे इस तरह से। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े रख सकते हैं। मैंने यहाँ पहले ही डेयरी मिल्क और मिल्की बार को जो है मेल्ट करके रख लिया था। बस इस तरह से हमें एक एक लड्डू को इसमें कोट करके टूथ पिक की मदद से इसे निकाल लेना है, और टूथ पिक को जो है उसी में रहने देना है ताकि ये स्टिक का भी काम कर जाए। तो मैं यहाँ मिल्की बार और डेयरी मिल्क दोनों फ्लेवर का बना रही हूँ। आप चाहे तो कोई एक चॉकलेट का भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ 3 जो हूँ मिल्की बार में कोट किया और 3 डेयरी मिल्क में। जिसे जो पसंद होगा वो अपने पसंद का ले लेगा। तो बस इस तरह से मैं यहाँ सारे जो है केक पॉप को अच्छे से कोट कर लिया है चॉकलेट से, और इसे बस 5 मिनट के लिए हमें फ्रिज में रख देना है। तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेती हूँ। मुझे जो आ रहा है मैं बस बना देती हूँ इस तरह से मिल्की बार और डेयरी मिल्क से। आप चाहे तो इस पर स्प्रिंकल भी लगा सकते हैं, मेरे पास वो अभी नहीं था इसलिए मैं बस इस तरह से सिंपल डिज़ाइन बना दी। और इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ। बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। आप भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो बस इस तरह से हम इसे निकाल लिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, ऊपर से क्रंची अंदर से एकदम सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था इसका। तो अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।